गाइस या वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का अंशुमिश के एकदम ब्रांड वीडियो के अंदर। और आज हम लोग जाने वाले वापस अपने फ्लीट किंगडम में। लास्ट टाइम के एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ यही कमेंट थे कि भाई हम लोगों को आपका वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म देखना अच्छा नहीं लग रहा। तो आज हम लोग बैठ के पता नहीं कितने घंटे लगने वाले हैं, हम लोग पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करेंगे कैसे भी। सो लेट्स गेट रेडी फॉर दैट। बाकी जिसने भी लाइक नहीं करा लाइक कर दो गाइस। 101,05,610 लाइक का गोल लगा रहा है, तो जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दो। और जो भी नया प्लीज सब्सक्राइब टू योर चैनल गाइस। तुम्हारा भाई ले जा रहा है इस चैलेंज को नेक्स्ट लेवल। हम लोगों ने करा था 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज और हम लोगों ने इसको कंप्लीट भी करा भाई। 1 जुलाई हो गई है, हम लोगों ने 30 दिन में जून के 30 दिन में 30 वीडियोस डाली हैं। अब हम लोग करने वाले 100 डेज 100 वीडियोस चैलेंज, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ होगा मेरे को पता है, थोड़ा सा दिक्कत भी देगा, पर हम लोग करके भाई कभी ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कितना मजा आएगा, राइट। तो चलो चलते हैं फटाफट से 100 डेज 100 वीडियोस। यह है वीडियो नंबर 31। सो लेट्स गो, चलते हैं हमारे वर्ल्ड को करते हैं ट्रांसफॉर्म। गाइस आज हम लोग वीडियो यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल सही भाई, हम लोगों का जो लास्ट टाइम तुम लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने एक विदर स्केलेटन फार्म बनाया था, वहां से आज हम लोग शुरू। भाई साहब इतने सारे जमा हो चुके हैं ना, मैं यहां पे काफी देर से एफके हूं। और भाई मेरे को अभी दिखे भाई स्कल, दिखे भाई गारंटीड दिखे मेरे को स्कल आते हुए, ठीक है। ये देखो दो विदर्स कल यहाँ पर आए हैं, दो विदर्स कल यहाँ आए, 5 मेरी जेब में आए हुए हैं, मतलब 5 तो नहीं आए, खैर वो 5 पहले से ही थे, राइट। तो अपने पास कितने विदर्स स्केलेटन कल हो चुके हैं, 9, 10, 11। ओ भाई साहब अपने पास 9 विदर्स स्केलेटन कल है, कहने का मतलब हम लोग कम से कम नहीं भी तो 3 बना सकते हैं अभी के अभी। मतलब वो अपने यार थोड़ा सा मुंह से निकल रहा है लेकिन आ नहीं रहा है, क्या बोलते हैं यार उसको, बीकन बना सकते हैं 3, ठीक है। तो चलो चलते हैं फटाफट से, सबसे पहले तो यहाँ से ये सही बना रखे, पता है ऊपर से कूदो लाइटर लेके, तुम्हें एक भी वो मारने की जरूरत नहीं है, लाइक क्या कहते हैं उसे, एक भी रॉकेट यूज़ करने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल फ्लाई करते रहो। और नहीं, एक रॉकेट मारने की जरूरत पड़ सकती है भाई, ऊपर को चलो फिर आराम से धीरे धीरे स्लोली डिसेंड करो भाई। ये बहुत दूर है यार, बाय गॉड सही में इलाइट्रा नहीं होती ना तो खून निकल जाता भाई लिटरली पैरों से, इतना कौन चलता है यार। और अभी तो हम लोगों को पूरे के पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करना है, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, मैं तो पागल होने वाला हूँ आज, मेरे को फीलिंग आ रही है एक बहुत तगड़ी भाई। चलो पहुँचे नहीं पहुँचे, ये तो हमारा पुराना वाला वो है ना, बहुत नहीं यही, हाँ ये नहीं ये है, ये मैं नया बना रहा था, हाँ ये मैंने आधा बना के छोड़ दिया था, वो वाला सही वाला। अच्छा वो तो हमारा वो है, वो वाला बहुत हार्ड है, वो जो था ये ख़राब हो गया पूरा, देख रहे हो यहाँ से सारे के सारे शुल्कर जा चुके हैं, वो पूरा ख़राब हो गया है। बट ठीक है कोई बात नहीं, जितना उसने देना था उसने दे दिया भाई। भाई मैं मानता हूँ हमारा नेदर तो बहुत कूल लगता है भाई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्वॉर्ड, पता है ये जो हम लोगों ने स्वॉर्ड बना रखी ना, और खास करके वो भी आधी ऐसे घुसी हुई, फिर नीचे पूरा का पूरा ये दे रखा है, दिखने का बहुत ज़्यादा कूल लगता है। बस थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें करनी है, जैसे कि यहाँ से वहाँ तक का एक रास्ता बनाना है, यहाँ से वहाँ तक का एक रास्ता बनाना है, फिर उधर को भी एक हमारा वो है क्या कहते हैं उसे जाने का है, वो अपना ट्राइडेंट फार्म है, ट्राइडेंट फार्म का भी रास्ता बनाना है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब सबके लिए रास्ते निकालने पड़ेंगे आज हम लोगों को। सिंस हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं थोड़ा बहुत एंड पे भी काम कर देंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा, बट पहले देखते हैं कि हम लोगों को ओवरवर्ल्ड में कितना ज़्यादा टाइम लगता है भाई, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है ओवरवर्ल्ड भी, मजाक से हट के, ठीक है। चलो चलते हैं, सबसे पहले देखो हम लोगों को इस एरिया को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म, भाई मैं मजाक भी नहीं कर रहा सच्ची, मेरे को ऐसा हो रहा है ना अजीब सा कि कैसे करेंगे भाई। अब आए ना हम लोग गाइस फ्लीट किंगडम में, जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं बारी। भाई लिटरली फ्लीट किंगडम में इतनी सारी चीज़ें हैं बट छोटी छोटी चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब कर रही है, जैसे देखो वो आइलैंड, उस आइलैंड का कोई मतलब नहीं है बट फिर भी वो आइलैंड है, और उसके बाद वो बीच में इतना ज़्यादा गंदा लग रहा है देखने का। एंड सबसे मेन चीज़ है जो मैंने गलती करी मेरे हिसाब से, मैं मानता हूँ कि भाई मैंने ना बिल्ड करे पर बिल्ड्स को एक्चुअल में जोड़ा नहीं, देखो सारे बिल्ड देख रहे हो ये स्लाइमी अपना वूली है अपना, ये पूरा का पूरा कैक्टस फार्म है, मैंने ना बिल्ड्स को जोड़ा नहीं आपस में, कहने का मतलब है कि बिल्ड्स कहीं से भी कहीं तक कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट हम लोगों को आज उसी को सुधारना है, सही करना है, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली इसको सुधारने और सही करने में शायद से ये वाला फार्म जा सकता है, नॉट श्योर वैसे, क्योंकि ना ये बहुत ही गंदा दिखता है यार, ये मैंने थोड़ा पीछे बनाना चाहिए था कि एकदम से ऐसे यहाँ से आते हैं फिर एकदम से ऐसे ये पूरा कटा कुटा सा अजीब सा गंदा सा दिखता है, इतनी बढ़िया चीज़ है ना ये, इसके बगल में ऐसे गंदा सा दिखता ना मज़ा नहीं आता। एंड सेकेंडली मेरे पास घर भी नहीं है यहाँ पे, तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं घर बनाऊँ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना भाई। लिटरली मेरे पास घर है वैसे कायदे से, पर उसको सर्वेंट क्वार्टर जैसा बोलेंगे भाई, यहाँ नीचे जाओ गड्ढे में घुसो
फिर यहाँ पर से जाके यहाँ पर अपने पास थोड़ा बहुत है लाइक ये छुपा रुस्तम टाइप, या तो इसको तो सीक्रेट बेस जैसा मान लो भाई, मजाक सेट के यहाँ पे सब कुछ है। देखो अगर बाय चांस कभी बाहर न्यूक्लियर बॉम्ब वॉम फटे तो हम लोग यहाँ पे छुपने आ सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर अपने पास खाने पीने का सब कुछ ए टू जेड है, तो वो चीज़ सही है। पर अभी तो हम लोग यहाँ रुको ये कहाँ से निकल रहा हूँ मैं, अभी तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हम लोगों को इस वर्ल्ड को करना है पूरा का पूरा ट्रांस। भाई मेरा तो दिमाग ऐसा हो रहा है ना कि मैंने क्यों नहीं करा, पता स्टार्टिंग में क्यों नहीं करा, मैंने शुरू से स्टार्ट करना चाहिए था, जिस समय पे मैंने बनाना स्टार्ट किया था ना मैंने उसी समय शुरू कर देना चाहिए था। जैसे देखो सबसे पहली और बेसिक चीज़ तो यार रुको जरा इसको साफ करता हूँ, और इसको पहले मैंने ग्रीन लैंड बनाता ताकि यहाँ पे ग्रीन ग्रास रहे पूरी की पूरी, इतने सारे लैंटर्न। तुम्हें पता है यहाँ पे क्या था? अगर तुम्हें पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहाँ पे क्या था, चलो ठीक है। अगर तुम लोगों को याद है यहाँ पे क्या था तो, और पिछला एपिसोड जाके देखने की नहीं हो रही है कि तुम पिछला एपिसोड जाके देख के बता रहे हो, मतलब देख लोगे तो अच्छा ही है भाई, तुम्हारे भाई के व्यूज़ बढ़ जाएंगे थोड़े से, तो देखोगे तो मज़ा ही आएगा। चलो देख के बता दो, छोड़ो ठीक है। यार इसमें ना बहुत टाइम लग रहा है, और आज तो हम लोगों को बहुत सारा तोड़ना है, मैं मजाक भी नहीं करूँगा, आज हमको बहुत ज़्यादा तोड़ना है कसम से बताए। इतना हम लोगों को इतने एरियाज को क्लीन करने से, मैं बोल रहा हूँ इस एरिया को हम लोग क्लीन कर सकते हैं, ये देखो इतने सारे एरियाज हैं पैचेज हैं, हम लोगों को इतना क्लीन करना है तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, और सबसे मेन चीज़ चाहिए होगी हम लोगों को बीकन। बिल्कुल सही भाई, हम लोगों के पास बीकन नहीं है तो हम लोगों को एक बीकन तो ज़रूर चाहिए होगा, तो तुम्हें पता है बीकन कहाँ से आता है और कैसे आता है, तो यस बीकन ठीक है, हम लोगों को बीकन चाहिए होगा। तो एक काम करते हैं सबसे पहले ना यहाँ पर से कहीं से ना एक तो गाइस चलो अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से हम लोग एकदम सीधा खोदते हैं, जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा भाई कि विदर को कैसे संभालते हैं, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। भाई विदर को संभालना है तो तुम लोगों को एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनानी होती है ठीक है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेट हो सकती है, ताकि अगर वो बाई चांस बहुत ज़्यादा आगे आने की ट्राई करता है तो तुम लोग उसको संभाल पाओ ठीक है, ये चीज़ मेन होती है। तो हम लोग क्या करेंगे देखो, हम लोग इसको बस सीधा सीधा खोदते जाएंगे खोदते जाएंगे खोदते जाएंगे, ओए खोदते हो मतलब खोदते रहो। चलते ओ भाई लावा लुआ भी दिख रहा है थोड़ा सा देख के, लावा है भाई इधर, ओके ठीक है यहाँ पे लावा लुआ है, तो इससे थोड़ा सा पीछे को आ जाते हैं वापस ठीक है। पर यार इतने एरिया में क्या हम लोग उसको मार पाएंगे, ये है मेरा सवाल ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा बंद कर देते हैं, देयर वी गो, बस इतने में आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा वो डिस्ट्रॉय कर पाएगा, तो मेरे को इस एरिया को बस थोड़ा सा खोलना है भाई थोड़ा सा ठीक है, जितने में एक विदर लग जाए फिर वो मेरे पीछे भागते रहेगा, मैं उसको भगाते जाऊंगा वो आते जाए। अरे यार एक तो इलाइट्रा यार तेज कूदने भी नहीं देती है, थोड़ा सा पीछे को चलता है ठीक है। आई होप पीछे कुछ ना हो भाई, अगर पीछे कुछ निकल गया ना फिर दिक्कत हो जाएगी हम लोगों को कैसे भी, कम से कम नहीं भी तो मान के चलो हम लोगों को अभी के लिए तो एक ही वो मारना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सजाने में हम लोग बीकन यूज़ कर सकते हैं। भाई इतना बढ़िया विदर स्केलेटन फार्म जब बना दिया है तो क्यों ना उसका पूरा यूज़ करा जाए, डोंट यू थिंक सो भाई, उसको पूरा जितना हो सकता मैं तो निचोड़ दूंगा भाई, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। चलो इसको हमारे पास शवल पड़ी है, चल 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 लेट्स गो, खोते रहो भाई, चलो बढ़िया ठीक है। आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा वैसे चाहिए होगा, स्वॉर्ड में दम तो होता ही है मेरी, और कम हो रहा है कहने को, जब तक विदर किसी बंदे को नहीं मारता है विदर अपनी वो। अरे 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 इस साइड को तो ये आ गया, रुको चलो ठीक है बस यहाँ तक रखते हैं इसको, लेट्स गो गाइस। आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा हम लोगों को जरूरत पड़ने वाली है, बट ठीक है भाई पीछे मॉब स्पॉन ना हो जाए, मैं लाइट वाइट लेके नहीं आया हूँ कुछ भी ठीक है, चलो हो जाएगा गाइस लेट्स डू दिस ठीक है। मैं यहाँ पर एक विदर बुलाने वाला हूँ, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं फटाफट से, देयर वी गो, आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार। मेरे ख्याल से एक और करना पड़ेगा क्योंकि ये ना वो हेड से कोलाइड करेगा फिर उसके, एक और ऊपर को भी खोद देते जस्ट इन केस अगर वो नहीं स्पॉन हुआ तो। वैसे कायदे से ना ये एरिया मैंने उससे बनाया था ऑब्सीडियन से, क्योंकि वो पीछे को भी भाग सकता है जस्ट इन केस। चलो ठीक है उल्टे काम करवा लो भाई से बस। चलो एक तो इतना कूड़ा लेके घूमता हूँ ना मैं अपने इन्वेंट्री में। अच्छा अभी कहाँ यार, अभी तो फटेगा ही, फुल होगा पहले फिर फटेगा। अच्छा ऐसे भी अभी नहीं पड़ेगी ना, अभी तो फटेगा। हाँ जी, अरे भाई देख लिया, मुझे लगा दिख नहीं रहा हूं। देखो इसीलिए कहते हैं कि ऊपर तो एटलीस्ट ऑब्सीडियन लगा दिया करो ताकि वो ऊपर को ना फोड़ के जाए ना, वैसे कुछ कर तो नहीं सकता है मेरा। वैसे आ गया नीचे गया। अरे तो जा रे विद्रू हो गया, आऊं मैं बाहर
यार इसको कायदे से हम लोगों ने थोड़े बहुत यहाँ पे कैटल वेटल भी रखने चाहिए थे। ये देखो भाई इसने पूरा यहाँ बस इतना ही आ पाया है ये, वैसे देखा जाए तो। अगर हम लोग चाहें तो मेरे पास अगर सामान पड़ा है, मैं देख लेता हूँ, तीन यहाँ पड़ा तो है वैसे मेरे पास, एक और विदर स्केलेटन ला सकते हैं, मतलब विदर उठा सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ एक और विदर को ले आते हैं और उसके बाद उसको भी मारते हैं यहाँ पे, पता है क्यों? क्योंकि ना इससे हमारा एटलीस्ट दो उसका हो जाएगा, हम लोगों को फ्यूचर में करना ही पड़ेगा, तो इससे बड़ी अभी कर लो ना जब मैंने बना दिया एरिया तो। देयर वी गो, चलो बस जैसे ये फटता है उसके बाद दोबारा से इसका बम बना देंगे हम लोग। मेरे पास एरोज नहीं है ना यार, गधा हूँ ना मैं भी तो भाई। पावर फाइव वाली बो है? नहीं पावर थ्री है। भाई लिटरली भाई ये टेक्निक भाई जिसने भी बनाई थी क्या दिमाग लगाया बंदे ने भाई, नॉट गोना लाई ब्रो, ये बहुत सही टेक्निक है भाई। सोचो ना इतने टफ, इतने अगर इसको तुमने बाहर बुला दिया तो ये बंदा तुम्हारा भूत बना देगा दो सेकंड में। लाइक तुम इसको मार ही नहीं सकते भाई, ये इतना ऊपर तैरता है, इसको जानवर मिलते रहते हैं तो ये उनको मार मार के हील करते रहता है, तो ये बंदा लिटरली बहुत ओवर पावर्ड है। पर इसको तुम लोग यहाँ नीचे ऐसे एक वन बाई वन में खींच के ले जाओ तो वन बाई टू में मर जाता है बंदा, बच ही नहीं पाता है भाई। क्या फनी यार, फनी भाई। अब हमारा रास्ता कहाँ है ऊपर जाने का? इसने रास्ता भी खोल दिया क्या? हाँ ये रहा, चलो चलते हैं ऊपर को। चलो बढ़िया भाई, हेलो स्टाइल तो पूरा है भाई का। चलो भाई निकलते हैं यहाँ पर से वापस से घर को। अब हम लोग मस्त करके भाई बीकन पे बीकन लगा सकते हैं और उसके बाद अपने काम को तेज तेज स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? तो चलो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने इस वाले आयरन फार्म पे, यहाँ से जितना भी आयरन है वो आयरन निकाल लेते हैं, समझ रहे हो ना। चलो यार मेरे पास एक तो कूड़ा बहुत पड़ा है यार, मेरे को कूड़ा इसी में डालना पड़ेगा फिर। अभी ये जितना है ना ये फालतू का भाई, ये कोल काल भाई, एक एक स्टैक आ जाता है यार, दो मिनट खड़े रहो एक। अबे मैं एक और बुला सकता था यार, चार ही तो लगते एग्जैक्टली, गधा हूँ मैं भाई। एक और बुला के भाई तीन कम से कम बीकन आ जाते मेरे पास, तीन बीकन तुम समझ रहे हो कितना कूल लगता देखने में। चलो अपने पास कितने हो गए, चार इंगेट हो चुके हैं, चार से हम लोग कितने बना लेंगे, स्टैक के स्टैक हो जाते हैं भाई चार से तो। खैर अभी चलते हैं फटाफट से, लेट्स सी अगर हम लोगों के पुराने वाले मतलब नए वाले सॉरी जो बड़ा वाला आयरन फार्म है इसने कुछ जमा करके रखा हुआ है तो। अबे मेरे विलेजर नहीं है क्या? अबे सो रहे हैं भाई ये लोग। अरे भाई 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 काम तो चल रहा है फुल फोर्स भाई, काम तो फुल फोर्स चल रहा है यहाँ पे, देख तो लिया मैंने अभी अभी। अब भाई होप बस सामान भी फुल फोर्स आ रहा हो इधर पे, है ना। नाइस, दो स्टैक, पाँच, कुछ नहीं कुछ नहीं भाई, इतना भी फुल फोर्स नहीं आ रहा है, बट ठीक है चलो इतने से अपना काम हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं नहीं होगा शायद, नहीं होगा इतने से अपना काम नहीं होगा भाई साहब। जिस समय ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे सारी चीज़ें ऐसा अगेंस्ट हो जाती है ना, ऐसा दुख होता है मुझे बहुत, तुम समझ रहे हो। चलो अभी हम लोग एक काम करते हैं फटाफट से, ये तो अपना सारा कूड़ा कबाड़ा मैंने डाल रखा था यहाँ पे। देयर वी गो, अब हम लोग कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे ऐसे करते हैं और जितने स्टैक हम निकाल सकते हैं उतने स्टैक निकाल लेते हैं। खाली 36 हुए, 36 से अपना काम ही नहीं होगा, तो पहली लेयर बनी खाली, पहली लेयर भी नहीं बनी एक्चुअली। 99 जो 81 होता है, 81 ब्लॉक्स तो हम लोग खाली पहली लेयर के लिए चाहिए होंगे। गाइस तुम्हारा भाई लेके आ चुका है सारा का सारा सामान, अब हम लोग कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मली इसको पूरा का पूरा भर देना है। लेट्स गो, इसको ही भर देते हैं। आई होप इतने में काम हो जाए, बट मेरे को फील आ रही है कि नहीं भी हो सकता है, मतलब ऐसा कंफर्म नहीं कर रहा हूँ मैं कि हाँ भाई भाई ले आया तो काम तो होगा ही। अरे हो जा भाई यार, चिपक जा सारे, डबल हो जाओ। चलो ठीक है, एक आयरन भाई, कम ऑन यार, अगर एक आयरन से एक ब्लॉक नहीं बना और वो एक ब्लॉक की वजह से अगर मेरा पूरा का पूरा वो नहीं बना ना, मैं ना भाई। चलो दो आयरन मेरे पास वैसे वाला ही पड़ा हुआ है, सड़न सुड़न, ठीक है इसको डाल देते हैं यहाँ पे। देयर वी गो, इसको पकने दो, तब तक हम लोग क्या करेंगे देखो, मैं अभी के लिए जो बीकन है बीकन को मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है इस एरिया पे मैं बीकन को लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ वो मैं तुम लोग को बताऊँ, क्योंकि तुम देखो ना ये एरिया सबसे ज़्यादा टूटा टाटा है, इधर ही सबसे ज़्यादा काम होना है, इधर ही यहीं पर सबसे ज़्यादा काम होना है, तो इसीलिए ठीक है। चलो भाई इतनी देर से छुप के बैठा हुआ था, देख रहे हो तुम लोग मेरे को मारने के लिए, मैं कब आऊँ तब मारे मुझे हो। यहाँ पे बनाया था अभी के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9
माइनक्राफ्ट में मशीन चल गई, माइनक्राफ्ट में मशीन। अरे भाई यार तू बर्बादी कर ले यार, एक काम कर दो। चलो भाई हो गया अपना काम, यहाँ पर पूरा का पूरा ये बन चुका है। अब हम लोगों को बस एक बीकन बनाना है छोटा सा। हम लोगों को चाहिए होगा 3 ऑब्सीडियन, कांच चाहिए होगा ढेर सारा, और चाहिए होगा सामान सुमून। सामान सुमून भी कट लुटिया करो, कांच तो मिल गया। ऑब्सीडियन चाहिए होगा बस थोड़ा सा यार, थोड़ा सा ऑब्सीडियन दे दो प्लीज। अरे ये नहीं यार, 3 ऑब्सीडियन दे दो बस प्लीज यार, कम ऑन यार, 3 ऑब्सीडियन प्लीज। एक ऑब्सीडियन तो मिला, चलो यार 3 ऑब्सीडियन दे दो यार प्लीज यार, ऑब्सीडियन तो ऑब्सीडियन नो ऑब्सीडियन ऑब्सीडियन। अब तो गाइज हम लोग आ चुके हैं वापस से, ऑब्सीडियन ऑब्सीडियन बना बनू के सारा का सारा, और मेरा फूड खत्म होने वाला था तो मैंने सोचा कि फूड भी ले ही आता हूँ। तो लेट्स गो गाइज, हम लोगों का देयर वी गो, पहला बीकन लग चुका है। अब इस बीकन में हम लोगों को इसको एक्टिवेट भी करना है और उसके बाद पावर पूअर भी लगा देनी है। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है अभी के लिए, तो हम लोगों को हेज 2 चाहिए होगा, तो हम लोग यहाँ पे हेज 2 लगा देते हैं। क्या हमें हेज 2 मिल रहा है? मिल रहा है हमें हेज 2, बढ़िया। चलो भाई अब हम लोग दिखाते हैं तेजी, ये देख रहे हो। आहा, इतने से के लिए तुम्हारे भाई ने पूरा बीकन बूकन लगा दिए भाई, 2 कम से कम नहीं भी तो भाई वो मार के आ गया, विदर मार के आ गया, मजाक कर रहा हूँ। इतने से के लिए नहीं है, बेसिकली हम लोगों को आज बहुत सारा काम करना है भाई। अगर हम लोगों को इसको ट्रांसफॉर्म करना है, और खास करके मुझे पता है कि तुम लोग भी भाई देखना चाहोगे कि एकदम खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन हो, ना कि ऐसी कुछ आलतू फालतू बस रोडे बना दी थोड़ी सी और बोल दिया कि ट्रांसफॉर्म हो गया है ना। मुझे पता है कि तुम लोग चाहोगे कि चीज़ें बने जैसे थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें होंगी, हम लोग क्या कहते हैं छोटे छोटे गार्डन जैसे बना देंगे, कुछ बना देंगे, थोड़ा सा अलग सा बना देंगे, मतलब बेसिकली ठीक है, जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन काम करता है भाई खूबसूरत सा एकदम से ना, पॉन्ड ये सब चीज़ें प्यारी सी बनाएंगे मतलब एरिया, ठीक है। तो चलो फटाफट से इसको, देयर वी गो। अरे अरे तुम भी लो यार थोड़ा सा, चलो फटाफट से इसको भर देते हैं। तो गाइज मेरे को ना एक बहुत बढ़िया दिमाग, भाई देख रहे हो कैसी जगह है भाई ये, कुछ भी टूटा फूटा कहीं पर भी लगा हुआ है, तो मेरे को ना एक बहुत सही आइडिया है भाई। हम लोग ना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कायदे से इतनी देर तक एक ही जगह पे काम करके, तो हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, हम लोगों का ना दिमाग हो रखा खराब थोड़ा सा, मतलब इन जनरल वैसे बोल रहा हूँ मैं, वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा दिमाग वैसे खराब हो गया है, पर मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई अगर हम लोग इतनी देर काम कर रहे हैं, हम लोग का आज बहुत ज़्यादा स्टोन चाहिए होगा, मैं तुम्हें मजाक भी नहीं कर रहा सच्ची में, हम लोग का आज इतना ज़्यादा स्टोन चाहिए होगा ना, जस्ट बिकॉज हम लोग चीज़ें किससे करेंगे भाई, जो क्या कहते हैं स्टोन की ब्रिक्स होती है उन सब चीज़ों से हम लोग बनाएंगे राइट। बस बढ़िया, चलो जो स्टोन की ब्रिक्स होती है और ये सब चीज़ें होती है उनसे हम लोग बनाएंगे। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि भाई जितनी देर में हम लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं, लाइक तोड़ेंगे फोड़ेंगे वो सब चीज़ें करेंगे, तो उतनी देर में हम लोग अगर इसको बस स्मेल्ट होने दें स्टोन को, ताकि हमें बाद में रुक के ऐसे वेट ना करना पड़े कि भाई स्टोन स्मेल्ट होगा तब जाके हम जाएंगे। तो मैंने सोच लिया है भाई, हम लोग फटाफट से ना यहाँ पर देखो सारे के सारे खाली तो कर दिए मैंने, उसके साथ साथ जितना हो सकता है अपने पास ये भी भर लेते हैं। ये पत्थर हटा देता हूँ मैं अभी के लिए, और इसको ऑफ हैंड में डालते हैं। टॉर्च नहीं चाहिए होगा हम लोगों को, स्प्लैश पोशन ऑफ फायर नहीं चाहिए होगा हम लोगों को, वैसे चलो मार अपने ऊपर ही मार लेते हैं क्या ही फ़र्क पड़ता है ना। अभी सोल सैंड भी नहीं चाहिए होगी, ग्रेनाइट भी नहीं चाहिए होगा हम लोगों को, जो चीज़ नहीं चाहिए ना वो बिल्कुल ही फेंक दो बिल्कुल एकदम, ठीक है। ये लो तुम ये रख लो और सारा स्टोन मेरे को दे दो। तो गाइस तुम्हारे भाई ने सारा का सारा कॉबल स्टोन ला के यहाँ पे लगा दिया, जितनी देर में हम लोग करेंगे उतनी देर में हमारा कॉबल स्टोन भी बन जाएगा। अब सोचो इतना वहाँ बन रहा है उतना वहाँ बन रहा है, और ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी सारा स्टोन और भी पड़ा हुआ है, तो अपने पास मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा स्टोन हम लोगों को लगना भी नहीं चाहिए। तो फटाफट से सबसे पहले तो ये लैंटर्न हटा देते जो हम लोगों ने वो ड्रैगन के आसपास लगाई हुई थी, जो हम लोगों ने अपना एंडर ड्रैगन बनाया हुआ था फेस उसका, तो पूरे का पूरे को जल्दी से तोड़ देते हैं। चलो 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 फटाफट 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 सारे को तोड़ देते हैं भाई, इस पूरे एरिया को ट्रांसफॉर्म करने में क्या ही होने वाला है मैं ही जानता हूँ। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, मैं एक्चुअल में रुको जरा ये स्टोन ही निकालते हैं थोड़ा सा, ठीक है देयर वी गो। चलो ये स्टोन से हम लोग क्या करेंगे मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को, हमारे पास स्टोन कट स्टोन कटर कहाँ है दोस्त, कोई बात नहीं बना लेंगे एक नया, कितना ही टाइम लगता है। चलो ठीक है हम लोग यहाँ पर एक स्टोन कटर लगा लेते हैं, और इस स्टोन कटर से हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जितना हो सकता है ना स्टेयर्स ले ले मतलब ये ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग रास्ते ना सारे के सारे स्टोन के ब्रिक्स से निकालेंगे। मुझे पता है थोड़ा टफ है और थोड़ा ज़्यादा सामान भी लगेगा, बट मज़ा भी आएगा देखने में, समझ रहे हो ना, इतना कूल लगेगा दूर दूर तक ऐसे पूरा आलिशान जैसा लगेगा सच्ची बताऊँ तो, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया बनाते हैं जहाँ पर हम लोग बनाएंगे अपना खुद का एक छोटा सा कैसे बताओ गार्डन टाइप का, ये बेसिकली हमारा सेंटर होना चाहिए, ठीक है। ये गार्डन हमारा सेंटर होगा और इस गार्डन से ही हर जगह के लिए रास्ते निकलेंगे, मतलब जहाँ भी तुम्हें जाना है वहाँ के लिए रास्ते यहीं से निकलेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से करें या फिर थोड़ा सा इधर से कर सकते, देखो जो वर्ल्ड का सेंटर जैसा लगे हमें थोड़ा देखने में ना,
वैसा देखो ये सारी चीज़ें वूली मेरे हिसाब से बिल्कुल सेंटर में है। देखो वूली के तीन इधर को है, फिर तीन की जगह इधर को है, फिर ये इधर को है, और ये भी एरिया पूरा सेंट्रिक हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये हमारा सेंटर ब्लॉक हो जाना है। ठीक है यहाँ पर हम लोगों का गार्डन आ जाएगा। यहाँ पर बीच में ऐसे करके कुछ कर देते हैं। ठीक है अब हम लोग यहाँ से गार्डन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसकी तरफ को ना रास्ता निकले, ऐसा छोटा सा ही बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं बनाएंगे। मैं तो बोलता हूँ इसको थोड़ा सा, बस थोड़ा सा लेफ्ट यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है थोड़ा सा ले आते हैं, हल्का सा बस। ठीक है चलो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर हम लोग इसको 3 हाँ ऐसे करते, छोटा सा बनाते हैं। ठीक है ज़्यादा बड़ा नहीं, 2 ठीक है, 2 ऐसे खींच के 2, फिर 1 2 3, फिर 2, फिर 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2 3। भाई तुम्हारे भाई को अब आ गया है। ठीक है एक परफेक्ट सर्कल कैसे बनाते हैं ना माइनक्राफ्ट के अंदर, भाई मुझे पता है थोड़ा सा हार्ड है, पर एक बार तुम्हें आ जाए तो तुम कर सकते हो। मतलब ये देखो परफेक्ट सर्कल डजेंट एग्जिस्ट, ऐसे बोलोगे तो मुत्ते में बन जाएगा वो। ठीक है जी यार ठीक है, तो ये हम लोगों का गार्डन टाइप हो जाएगा। ये मैंने खाली अभी एरिया बनाया हुआ है, हम कायदे से इसको नीचे खोदेंगे। वैसे मैंने कायदे से हाँ फिर इसको नीचे बना देना चाहिए था, बट ठीक है कोई बात नहीं। ये हमारा एक छोटा सा एरिया हो जाएगा गार्डन एरिया टाइप का। इसके बाहर से हम लोग पूरा इधर से उधर जाने का एरिया बना देंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ से सारे रास्ते कटेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है। तो गाइस ये देखो ये इसका सेंटर हो गया, ये पूरा का पूरा एरिया हो गया। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे दिखाते हैं एक कैसे होता है फाउंटेन जैसा बनाते हैं। ठीक है सेंटर पे कि एकदम ऐसा वर्ल्ड का सेंटर जैसा हो रहा है और इसमें फाउंटेन बन रहा है। वैसे कायदे से ना अगर ये वर्ल्ड का सेंटर था इसको थोड़ा सा उधर को नहीं होना चाहिए था, गिचबिच नहीं हो रही इस जगह के साथ। 2 मिनट देना को किस कहा के आता हूँ उधर को। अब देखो अब ये सही लग रहा है ना कि यहाँ से भी जगह है, वहाँ से भी जगह है, हर जगह से जगह ही जगह है। अब लग रहा है सही सा, तो चलो इसको एक बढ़िया सा फाउंटेन जैसा बना देते हैं सबसे पहले। तो गाइस अपना फाउंटेन बन के तैयार है, कुछ तो काम करना पड़ेगा इस पे, इतना अच्छा भी फाउंटेन नहीं है सही बताऊँ तो। ऐसा लग रहा है बिल्कुल एकदम मजनू भाई ने बनाया होगा फाउंटेन, बट ठीक है कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से ना ये पेड़ वैसे भी हटने वाले हैं तो हम लोग इन पेड़ की ना लीव ले लेते हैं, क्योंकि लीव्स हम लोगों को चाहिए होंगी ढेर सारी एक्चुअली। ठीक है तो थोड़ा बहुत तो चलता है बस। ठीक है यहाँ से लीव्स उठा लेते हैं थोड़ी बहुत। चलो 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 ले लो ले लो ले लो दे दो दे दो दे दो लीव्स दे दो दे दो दे दो यार मेरे तू बनाने मुझे चलो अभी अपने पास काफी सारा हो चुका है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं देखो। सबसे पहले तो हम लोग अपने फाउंटेन के चारों तरफ से ऐसे करके लीव्स डाल देते हैं। ठीक है थोड़ा सा ये दिखने का अच्छा लगेगा। देयर वी गो, चल 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 चल, ये हटाओ इसको, चल 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 चल। अभी हम लोग इसके आसपास में थोड़े बहुत पेड़ भी उगाएंगे, बस हम लोग को ध्यान देना है कि ना चीज़ें छुपे ना, इसीलिए मैंने इसको इधर को खिसकाया, क्योंकि अगर हम इसके बगल में पेड़ उठाते तो फिर हमारे ट्री हाउस सारी चीज़ें गायब हो जाती। बेसिकली ट्री हाउस जो अब ट्री में ही नहीं है, बट वही वाली बात है ना, मतलब है तो सही कुछ तो है। ठीक है चलो बस हो गया, इसको डबल हाइट कर देते हैं, देयर वी गो। ठीक है तो ये डबल हाइट का हो गया, देखो अब थोड़ा बहुत बेटर लग रहा है पहले से। अभी और भी चीज़ें होनी है इसमें, पर एटलीस्ट पहले से तो अच्छा लग रहा है। ठीक है फिर हम लोग इसके बाहर से ऐसे करके रास्ता खींचेंगे, वो चीज़ अलग होगी। ठीक है तो देखो मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को कि इसके आगे पीछे का रास्ता बनेगा कैसे। ठीक है सबसे पहले तो एक और बाहर से इसकी ऐसे करके हम लोग पूरा का पूरा देखो यार, ये कि नीचे अंदर वाला गलती से हो जा रहा है यार, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। मैं एक चीज़ और करता हूँ, मेरे को ना सारे के सारे स्टोन को, बस 2 स्टैक चाहिए होगा अभी मेरे को, और बाकी सारे के सारे स्टोन को हम लोग अंदर रख देते हैं अभी के लिए। देयर वी गो, ये अंदर वाले गलती से खुद जा रहे हैं यार, बहुत तेज चल रहा है क्योंकि इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा तेज। तो गाइस देखो इसके चारों तरफ से मैंने ऐसे करके एक बार पत्थर भी लगाए दिए हैं। ठीक है जस्ट इन केस वाली चीज़ है, मतलब थोड़ा दिखने का भी अच्छा लगता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अगल बगल से ऐसे करके रास्ता जैसा निकालेंगे। ठीक है ताकि हम लोग कहीं पर भी जा सके, तो बेसिकली ये रास्ता होगा हमारा कहीं भी जाने के लिए। ठीक है तो चलो पहले तो इसको 2 की उसमें, बहुत बढ़िया। ठीक है इसको, चलो ठीक है इसको हम लोग 2 की उसमें लेंथ पे पूरा का पूरा ऐसे खोद देंगे। ठीक है बस इसको जैसे है ये, इसको एक एक्स्ट्रा खींचते हुए ऐसे ऐसे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं,
गाइस फाइनली हम लोगों का पूरा जो ये था फाउंटेन वो बन चुका है, अभी मॉडिफाई नहीं हुआ है पूरा वर्ल्ड, ठीक है मॉडिफाई हुआ, गाड़ी मॉडिफाई कर रहा हूँ क्या भाई, वर्ल्ड अभी के लिए पूरा का पूरा डेकोरेट नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, बट सच्ची बता रहा हूँ जैसा ये लग रहा है ना दिखने का ऑलरेडी भाई, ये ना मेरा दिल ऐसा आ चुका है ना इस चीज़ में, मजाक नहीं करूँगा, मेरे को पहले लग रहा था यार मैं कितना ही अच्छा बना सकता हूँ, मैं कितना अच्छा बना सकता हूँ, बट ये सीरियसली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है भाई। अगर तुम लोगों को अपने घर पर भी इंटीरियर डिजाइनिंग कुछ काम करवाना होगा तो यू नो हाउ टू कॉल, ठीक है मजाक से हटके भाई, मेरे को लगा कि मेरा दिमाग इतनी खूबसूरत चीज निकाल सकता है, मैं तो झूठ भी नहीं बोलूंगा, ठीक है ये बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है ऑलरेडी, और अब तो मेरे को हो रहा है कि भाई जल्दी जल्दी पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करता हूं जितना तेज हो सकता है। हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा ना, ये जितना गंदा दिख रहा है ना आड़ा टेढ़ा सा ऐसा अजीब सा, इसको पूरे का पूरे को हम लोगों को क्लियर करना है यहां पर से, ठीक है यहां पर हम लोगों को इसको पूरा साफ कर देना है एकदम जितना साफ हो सकता है। मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहां यहां तक खींचूंगा, उसके बाद नीचे को स्टेप्स बनाएंगे, किसी सी बात है उबड़ खाबड़ है तो करना तो पड़ेगा, फ्लैट लैंड तो था नहीं है, अगर तुम्हें याद होगा तुमने अगर पहला एपिसोड देखा होगा सर्वाइवल सीरीज का तुम्हें पता होगा हम लोग इस जगह पे कितनी मुश्किल से पहुंचे थे भाई, मुझे आज भी याद है बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज के साथ। तो ये चीज है, अभी हम लोगों का ये पूरा का पूरा देखो सेट हो चुका है, यहां पर हम लोगों का खूबसूरत सा एरिया बन चुका है, हमारा सारा स्टोन भी बन चुका है भाई, हम लोगों को इसको भी पूरा तोड़ना पड़ेगा एरिया को ताकि खूबसूरत लगे, फिर रस्ते वस्ते निकालेंगे वो सारी चीज़ें तो बात की बात है, बट अभी के लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, ये बांध वान भी हटाना पड़ेगा मेरे को, यहाँ से ये वाला फार्म भी हटाना पड़ेगा और इस एरिया को पूरा का पूरा साफ करके यहाँ से भी थोड़ा बहुत इसको बराबर करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं फटाफट से इसको पूरा साफ करके और बराबर करके, हाँ साफ करके और बराबर करके भाई, ये पॉन्ड मुझे बनाने हैं, पर ये पॉन्ड ऐसा नहीं चाहिए था तो यहाँ पर कहीं पे पॉन्ड बनाएंगे, पर अभी के लिए तो इसको पूरा का पूरा साफ करता ताकि हम लोग यहाँ पर के लिए भी अच्छा सा एरिया बना सके नीचे को आने के लिए ना, मतलब दिखने का अच्छा लगना चाहिए बस, दैट इज माय थिंग, ठीक है। तो चलो फटाफट से इसको पूरा साफ करता हूँ, मिलता हूँ तुमको 2 मिनट में, बस पहले अपनी इन्वेंट्री खाली करके आऊँ क्योंकि हमें बहुत सारा डर्ट चाहिए होगा, डर्ट खाली नहीं जाना चाहिए वेस्ट। और पता है क्या, मैंने ना सोचा हुआ देखो यहाँ तक का हम लोग इसको लेते हैं पूरा, ठीक है यहाँ तक का हम लोग इसको पूरा ऊपर की हाइट तक रखेंगे और ये ऐसे भी, ठीक है ये पूरा एरिया हम लोग नीचे कर देंगे, जितना नीचे ये है ना उतना नीचे कर देंगे, और मुझे नहीं लगता हम लोग को अब इस वाले शुगर केन फार्म की जरूरत है टू बी ऑनेस्ट, लाइक ये वाला शुगर केन फार्म ने इसलिए बनाया था क्योंकि वो वाला काम नहीं कर रहा था, बट अब हमारे पास फुल्ली ऑटोमेटिक एकदम क्रेजी वाला शुगर केन फार्म है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी हम लोगों को इतनी ज़्यादा नीड नहीं है, तो हम लोग को इसको ज़बरदस्ती यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ना फिर वही होता है कि ओवर लग रहा है कि हर जगह पर कुछ ना कुछ जबरदस्ती का भर रखा है, और वो ना फिर अच्छा नहीं लगता, फिर कोई नई चीज़ का आइडिया भी नहीं आ पाता दिमाग में कि हाँ यार कुछ अलग करते हैं कुछ नया करते हैं, तो इसको भी मैं पूरा हटाऊँगा। तो चलो इसको पूरा का पूरा बराबर करके और नीचे तक का ले जाके तुम लोगों से मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में, ठीक है भाई बहुत टाइम लगने वाला है इसमें, मजाक नहीं करूँगा, खाली इस एरिया को बराबर करने में ही मेरा इतना टाइम जाएगा ना, तुम लोग बस देखते जाओ भाई। गाइस फाइनली तुम्हारे भाई ने इसको पूरा का पूरा कर दिया है, अब यार तुम लोग बस इसके लिए मत बोलना मेरे को कि ये भैया ये कॉबलस्टोन इसको भी कर दूंगा मैं बाद में, ठीक है ये बात का काम है भाई, जितना मेरे को बराबर करना था वो मैंने कर दिया भाई, मैं दिमाग मेरा ऐसा हो चुका है मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ, पता है सिंसियरली स्पीकिंग भाई मैं थोड़ा सा ना गड्ढे खोद खोद के गड्ढे भर भर के इतना यार क्या कर रखा है मैंने ये भाई हर जगह पे यार भाई मैं क्या बताऊँ तुम्हें यार, मैंने कुछ ऐसा थोड़ा करा है कि मैंने कुछ सजाया हो कुछ अच्छा करा हो, ना भाई मैंने खाली गड्ढे खोदे जेन्युइनली खाली गड्ढे खोदे और डर्ट भरी है भाई, गड्ढे खोदो डर्ट भरो, गड्ढे खोदो डर्ट भरो, इतना ही काम करा है मैंने, इतना ही काम करा है बस, गड्ढे खोदो और डर्ट भरो भाई। यहाँ पे मैंने छोटा सा एक गड्ढा छोड़ा हुआ है, तुम लोग सोच रहे हो कि भाई अगर गड्ढे खोदे ही थे तो ये गड्ढा क्यों नहीं खोदा, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, रुको जरा इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देते हैं, ठीक है यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा ना ऐसा पॉन्ड जैसा बना देते हैं, ठीक है खाली पानी होगा इसमें बस इतने से एरिया में ख़त्म, और कुछ नहीं ज़्यादा ऐसा कुछ फैंसी नहीं होगा, मतलब कि तुम समझ रहे हो ना कि तुम्हें लगे कि अरे ये हो गया वो हो गया ऐसे करके, कुछ नहीं है नॉर्मल है एकदम, ठीक है हम लोग मैं अभी और भी चीज़ें दिखाता हूँ जो हम लोगों ने करी है चेंज ऐसे, और अच्छी बात बताऊँ कि उसकी वजह से ना काफ़ी अच्छा कैसे तो काम भी हो गया बेसिकली, ऐसा मान लो कि काम भी हुआ है उसकी वजह से, ठीक है
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो ये कर दिया हम लोगों ने, यहाँ पर हम लोग ऐसा पानी भर देते, वैसे कायदे से अगर पॉन्ड है तो इसको और गहरा होना चाहिए था, या फिर एक काम कर सकते, पता है क्या, इसको अभी के लिए ऐसे भरते, रुको मेरे पास एक बहुत क्रेजी आइडिया आ रहा है, बट अभी नहीं क्योंकि अभी हम लोगों को सिंसियरली बहुत ज़्यादा और भी काम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी ना करके ना इसको हम लोग बाद में कर सकते हैं, बस रुको को और ये लो, ठीक है बस हो गया, भर गया नहीं भरा, ये लो अब भर जाएगा, देर को ठीक है, बस कोने कोने में पानी और डाल देते हैं, जो मैंने ऐसे अजीब से कोने कोने बना रखे हैं इसके, क्योंकि ऐसा होता ना झील कभी भी बराबर नहीं होती कहीं से भी, मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम गोले में दिखेगी, कभी आम के शेप की होती है, कभी कुछ होती है आम, तो मतलब वही कहने का मतलब है मेरा, ठीक है। तो ये हो गया, देखो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को रास्ते खींचने, जिससे हम लोगों का वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाएगा, ठीक है। हम लोगों को अब रास्ते वस्ते बनाने स्टार्ट करने हैं हर जगह से, तो हम लोग वूली से स्टार्ट करते हैं, सिंस वूली हमारा पहला ऐसा थोड़ा एस्थेटिक लुकिंग चीज़ थी मेरे हिसाब से, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग ना क्या कहते उसे तीन का रास्ता करेंगे बेसिकली, मतलब तीन चौड़ा रास्ता खींचेंगे, तो रुको जरा, बस ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ठीक है इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, देयर वी गो, चलो ठीक है इसको ऐसे कर दिया हम लोगों ने, अब इसको प्रॉपर ऐसे रास्ता खींचेंगे, मैं क्या बोलता हूँ ना, इसको हम लोग एक तरह से सेंट्रिक मान लेते हैं, ठीक है इसको भी यार, इसको किसी और चीज़ से कवर करें या फिर इसी से करें इसको भी, चलो इसको भी इसी से कवर कर देते हैं ताकि वो रास्ता बराबर लगे, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग यार मेरे को अपना वो दोबारा से लेके आना पड़ेगा क्या भाई, बड़ी भाई मैंने सच्ची बता रहा हूँ, मैंने तो इज्जत से भाई वो छोड़ दिया भाई, मैंने वो क्या कहते उसे जितना सामान था सब कुछ था उसका, क्या कहते उसे हमारे उसका यार वो बीकन का, मैंने सब छोड़ा हूँ, मैं सब मैंने अपने उसमें आइटम शटर में डाल दिया है, क्योंकि मैं हो गया था परेशान, मैंने कहा भाई अगर और खोदना पड़ा ना भाई मैं पागल भी हो सकता हूँ आज भाई, मैंने सच्ची में आज बहुत ज़्यादा ही करा है भाई, कुछ ज़्यादा ही हुआ है आज, मतलब पहली बार मैंने शायद से, मतलब पहली बार नहीं इससे तो ज़्यादा ही खोदा होगा, पर फिर भी मतलब वो होता ना कि एक होता है कि तुम कोई सामान के लिए खोद रहे हो, जैसे डर्ट वर्ट सैंड वैंड जमा करने के लिए खोद रहे हो वो बात अलग होती है, फिर एक तुम बस खोद रहे हो वो बहुत अलग होता है भाई, कि तुम बस कुछ नहीं कर रहे हो तुम, ना 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 तुम बस खोद रहे हो, बस क्यों खोद रहे हो नहीं पता, बस खोद रहा हूँ, समझ रहे मेरी बात, नहीं कुछ कर रहा, तुम नहीं समझ पा रहे हो, चलो छोड़ो, ठीक है। इसके बाहर से हम लोग पूरा प्रॉपर ऐसे करके वो लगा देंगे, क्या कहते उसे पूरा वो कर देंगे, छोटा सा ऐसा प्यारा सा क्यूट सा ब्रिज जैसा भी बना देंगे, अच्छा सा लगेगा मेरे ख्याल से, है ना, या फिर हम लोग अगर इसमें ऐसे ब्रिज जैसा काटना है तो मेरे ख्याल से इसको हम लोग थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं इधर की साइड को, ठीक है थोड़ा सा ऐसा ना इधर को खींचेगा तो इधर से हम लोग ऐसे एक छोटा सा ऐसे ब्रिज जैसा बना, क्यूट लगेगा बस, है ना, कहीं पर भी आउट ऑफ नोवेयर ऐसे क्यूट सा एक ब्रिज निकला हुआ ऐसे लगेगा, इसको पूरा का पूरा तोड़ देते हैं यहाँ पर से, देयर वी गो, ठीक है इसको भी हम लोगों को थोड़ा वैसे ऑकवर्ड सा करना चाहिए आई थिंक, इसको हटाते हैं, बस इसको भी यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देते हैं, बस देयर वी गो, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा, दोबारा से वही करेंगे हम लोग, वाटर निकालो वाटर डालो वाटर निकालो वाटर डालो वाटर निकालो वाटर डालो, ये अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ दोस्तों, तुम्हें क्या लगा हिंदी में बात कर रहा हूँ भाई हम लोगों को लेकिन थोड़ा ब्रिक का भी देखना पड़ेगा, हम लोगों को पूरे एरिया को लेजर्ड एक तरह से ब्रिक्स से ही भरना है अभी, तो मेरे को थोड़ा सा ब्रिक्स का भी ध्यान देना पड़ेगा कि ब्रिक्स ख़त्म ना हो हमारे पास, ठीक है। इसको पूरा का पूरा ये कर देते हैं, यहाँ पर भी वाटर डाल देते हैं थोड़ा सा, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, चलो ठीक है ये हो गया, अरे अरे उधर पे पानी नहीं डाला, इधर भी चलो ठीक है, हाँ हो गया ना कंप्लीट, अच्छा यहाँ गड्ढा रह गया तो ये गड्ढा भर देते हैं, चलो ठीक है जल्दी वहाँ से हटो, चलो ठीक है यहाँ से हम लोग पूरा का पूरा एक ब्रिज जैसा बना देंगे, क्यूट सा ब्रिज लगेगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को वूली से पहले रास्ता खींचते हुए लेके आना है, तो वही करेंगे जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया, तीन के डिस्टेंस पे रास्ता खींचेंगे, चलो 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 सर्रा सर्रा पुर्रा, कुछ नहीं हुआ, कुछ होता ही नहीं है। अब तुम लोग सोच रहे हो ये क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे क्यों भर रहा हूँ इसको, तो बेसिकली यहाँ पर ना मॉब्स वॉब्स ना है, वैसे लाइट भी लगा सकते खाली अपने ग्रास ब्लॉक्स खर्च करने, चलो ठीक है ये हो गया। यहाँ से हम लोगों को एक्चुअली इसको ऐसे करके खोदते हुए जाना पड़ेगा इधर को, ठीक है देयर वी गो, यहाँ से हम लोग एक प्यारा सा ब्रिज जैसा बनाएंगे, ठीक है यहाँ पर से हम लोग एक प्यारा सा ब्रिज जैसा निकालेंगे, बहुत कूल लगेगा देखना,
ये हो गया, इसको भी हम लोग ढक देते हैं, ठीक है, इधर से भी ढक देते हैं, इधर से भी ढक देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग 1-2 इधर को लेके जाएंगे, हाँ परफेक्ट, ये कर देते हैं। क्या बताऊँ यार, क्या चल रहा है पता नहीं भाई, गड्ढे में ही गिरे जा रहा हूँ बस, ठीक है। चलो ये हो गया, अब हम लोगों को इसमें क्या करना है, सिंपली हम लोगों को इसमें बस ये लगा देने हैं, ठीक है, इसको पूरा का पूरा हम लोगों को इससे भर देना है। इसके बाहर से भी हम लोग थोड़ी सी सजावट करेंगे, गारंटीड भाई, क्यों नहीं, अच्छा दिखने के लिए तो चाहिए ही होगा, करना ही पड़ेगा। पता है ऐसी चीज़ों में क्या होता है, जैसे ये वाली वीडियो है ना, ये मोस्ट प्रॉब्ली पता है बहुत छोटी सी वीडियो बनेगी, मतलब बहुत छोटी नहीं बट फिर भी छोटी बनेगी, लाइक जैसी मेरी दूसरी वीडियोज़ होती है उनके मुकाबले तो बहुत छोटी सी बनेंगी, ठीक है, वो तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर कैसे बताऊँ, इन वीडियोस में कैसा होता है पता है, इनमें वीडियोस में काम नॉर्मल वीडियोस से ज़्यादा ही लगता है भाई, क्योंकि इसमें तुम एक तरह से देखो ना, मेरे को पहले तो दिमाग लगाना पड़ रहा है पूरा का पूरा कि मैं क्या करूँ, कैसे सजाऊँ, कैसे इसको दिखने का एकदम क्रेजी नेक्स्ट लेवल बनाऊँ, ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें मेरे को और भी चीज़ें करनी। अब देखो यहाँ से एक प्यारा सा ब्रिज आएगा यहाँ की तरफ को, ठीक है, एक मिनट जरा, ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भी भर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, यहाँ पर से ऐसे करके एक प्यारा सा ब्रिज आएगा, सोचो इधर को ऐसे करके यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से दोबारा से हम लोग रास्ते खींचने शुरू कर देंगे, ठीक है। पहले यहाँ से सीधे जाएंगे, ठीक है, एग्जैक्टली वो अपने स्लाइमी के स्ट्रेट में जाएंगे, तीन के उसमें, हट जाओ शीप, हट जाओ, काम चल रहा है यार, इनको जहाँ काम हो रहा होता वहीं पर आना होता बीच में, पता तुम्हें। चलो हटो, काम चल रहा है, दिख नहीं रहा आपको सर, हटो, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा तीन हो गया, फोर, नहीं नहीं इस साइड से था ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा भारी मिस्टेक हो गया सर जी, सॉरी। यहाँ से ऐसे करके कर देते हैं, ठीक है, हमारा क्योंकि ब्रिज ऐसा आएगा ना, देखो ब्रिज ऐसे करके आएगा यहाँ तक का, उसके बाद यहाँ से आगे को पूरा रास्ता दोबारा से नॉर्मल जैसे रास्ता होता है वैसे खींचेगा, ठीक है। तो ये तीन का रास्ता खींच गया हमारा, यहीं पर हमारा ब्रिज एंड होगा, ठीक है, वहाँ से देखो, बहुत बढ़िया, वहाँ से देखो एग्जैक्टली ऐसे करके ब्रिज आएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का ब्रिज आए, ब्रिज से हम लोग ऐसे चले, ये मेरे को दोबारा भरना पड़ेगा, ये गलती होगी मेरे से, ठीक है, देयर वी गो, यहाँ से हम लोग ऐसे चलते हुए आएंगे और उसके बाद सीधे यहाँ से करते हुए स्लाइमी के अंदर, ठीक है। तो चलो मेरे को थोड़ा टाइम दो, ऐसे करके मैं जितने भी हमारे पास ब्लॉक्स हैं बेसिकली, मतलब जितने भी हमारे पास और भी वो हैं मेन फार्म्स हैं, सबके रास्ते के लिए सब मैं रास्ते काटते हुए मिलता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। वैसे दिखने का बहुत ज़्यादा मस्त लगने लग गया ऑलरेडी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इस वीडियो में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये मेरे को अगले दिन भी बनानी पड़ जाएगी और हो सकता है तुम्हें ये वीडियो लेट भी मिले, पर ये वीडियो बहुत क्रेजी जाएगी भाई मेरे हिसाब से, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, पता ऑलरेडी इतना खूबसूरत लगने लग गया ना वर्ल्ड, भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब कैसे बताऊँ यार, मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड ना सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को अभी तक का ध्यान में ही नहीं था, जब तक तुम लोगों ने बोलना स्टार्ट नहीं करा कि भाई यार थोड़ा सही बनाओ, अच्छा बनाओ, मेरे को तब तक का ध्यान ही नहीं था, ठीक है, कि मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड में मैंने इतनी चीज़ें बना दी कि मेरे पास लिटरली कोई चीज़ की कमी नहीं है, पर ये दिखने का अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं था भाई, सच्ची बता रहा हूँ, मेरा तुम लोगों की वजह से, थैंक यू यार, तुम लोगों ने इतने कमेंट वमेंट करे ना कि भाई थोड़ा दिखने का भी बना यार, थोड़ा कूल लगे, थोड़ा अच्छा सा लगे, तब जाके मेरे को थोड़ा ध्यान आया कि हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं लोग कि हाँ इसको कुछ ऐसा दिखने का अजीब सा, थोड़ा अजीब सा नहीं मतलब, थोड़ा और एस्थेटिक खूबसूरत बना, अब देखो ना कितना कूल लगने लग गया ऑलरेडी भाई, ऐसे रास्ते निकल रहे, अभी सोचो यहाँ पे लैंटर्न्स आएंगी सारे, समझ लो ना ऐसा स्ट्रीट लाइट्स आएंगी, वो सब आएगा, कितना ज़्यादा मस्त लगेगा, सोचो भाई मजा आने वाला है, गेट रेडी। चलो अभी के लिए तो मैं फटाफट से, ओ यहाँ पे हमारा ट्री फार्म था, ओ तभी मैं सोचू, बहुत बढ़िया मित्रम, ओ मित्रम बहुत बमिया, इसको ढक दो भाई अब। चलो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा वो था, वुड फार्म था, वुड फार्म हमने हटा दिया था, वुड फार्म दोबारा से बनाना है भाई, बहुत काम की चीज़ है यार वो, इतने वुड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती पता है, मजाक से हट के, अगर मतलब वुड फार्म होता अपने पास तो। गाइस यार फाइनली हम लोगों ने पूरा का पूरा ही कर दिया है, ठीक है, इसको पूरा इजीली ऐसे कर दिया, जितने रास्ते कट सकते थे जहाँ जहाँ पर हमारे बिल्ड है उन जगहों को छोड़ के जो दूर दूर है थोड़ा, वो आइलैंड भी हटाना है भाई, बड़ा गंदा आइलैंड लगता है भाई, ये भी हटाना है हमने, उसके बाद देखेंगे उधर को क्या कर सकते हैं, बट अभी के लिए जो मेन एरिया है हमारा, जो मेन आइलैंड वाला एरिया है ना, उधर पे मैंने पूरा का पूरा कर दिया, तुम लोग जहाँ तक भी दूर दूर तक नज़र डालोगे ना वहाँ तक का दूर दूर, ये पता नहीं मैंने ये वाला वो ख़राब कर दिया है बस अपना, क्या कहते हैं उसे, जो मेरा ये बिल्ड था ना ये ख़राब हो गया, क्योंकि इसकी वजह से अब क्या हो रहा है, जितने भी वो है क्या कहते हैं उसे हमारे गोले में, गोले में अंदर आने की जगह बाहर आ जा रहे हैं अब, ठीक है कोई बात नहीं छोड़ो, रात को
रक्षा ही कर रहे हैं और क्या ही कर रहे हैं बुरा। बाकी ये देखो इस साइड पे तुम्हारे भाई ने यहाँ पर एक बना दिया है पूरा का पूरा ऐसा क्या कहते उसे आने जाने का पुलिया बना दिया है, ठीक है, मस्त करके ला 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 ला, देखो कितना कूल लग रहा है, बात तो है यार, ठीक है। चलो ये हो गया हम लोगों का, इसको पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने। एक और छोटी सी चीज़ करी जो मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ, देर वी गो, हर एक बिल्ड पे ना मैंने छोटे छोटे ये डाल दिए, ठीक है। इससे क्या होगा ना, कभी पानी वानी की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग पानी भी निकाल सकते हैं, बाकी दिखने का भी बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है इसकी वजह से। तो जैसे हमारे स्लाइमी है, वूली है, फिर थोड़ा बहुत अपना शुगर केन है, इन सब के आसपास में मैंने ऐसे करके बना दिया ताकि दिखने का भी कूल लगे और थोड़ा पानी वानी का भी लाइक बंदोबस्त रहे, समझ लो। ये तो हो गया अपना पूरा का पूरा। अब हमें क्या करना है देखो, आगे को थोड़ा बहुत मैंने कर दिया था बट थोड़ा सा और बचता है, जो कि ऐसे देखो इसको तोड़ेंगे हम लोग, यहां पर ऐसे करके लाइट लगा देंगे, ठीक है। जहां पर भी कॉर्नर्स है ना, जैसे ये एजेस है, यहां पर तो कंफर्म ही है, फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे हर एक जगह पे 10-10 पे, कहने का मतलब जहां पर भी 10 ब्लॉक कंप्लीट हो रहे होंगे वहां पर हम लोग एक वो लगा देंगे, क्या कहते हैं, यही स्टोन की वॉल और टॉर्च, ठीक है, मतलब कॉबल स्टोन की वॉल और टॉर्च, ठीक है। जैसे अभी यहां पर कर देते हैं, देयर वी गो, और जहाँ जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पर भी हम लोगों को इसको करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में गाइस, तुम लोगों को अभी से कैसा लग रहा है भाई, प्लीज़ यार। और देखो मैं तो बोलूँगा भाई अच्छा ही बोलना, ठीक है ना भाई, बहुत मेहनत लगी है सच्ची में, पता है मैं बता नहीं सकता यार, दिक्कत क्या हो रही है पता है, ये वीडियो कुछ भी नहीं बनी होगी अभी तक का, मेरे को कन्फर्म पता है ये वीडियो बहुत छोटी बनी होगी अभी तक का, लाइक मैंने कितना कर दिया है, कितना ही कर दिया है मजाक से हट के, पर ये वीडियो कुछ बनी ही नहीं होगी, समझ रहे हो तुम, क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादातर काम कैसा है जो घिसते रहो वाला काम है, समझ रहे हो, मतलब ऐसा है ही नहीं कि उसमें मैं क्या दिखाऊं तुम्हें, बार बार रोड काटते हुए बार बार बनाते बनाते मैं कितना दिखा दूं तुम्हें ना वो चीज़, तो वो है। अब इसमें मेरे को मैं क्या बोलूँ, मैं कहाँ जाऊँ अभी, रुको जरा एक मिनट और मज़े कर लो भाई, थोड़े से और मज़े कर लो। ये एरिया पे मैंने रोड ही नहीं खींची है, लो भैया बस अब आएंगे मज़े, फिर इसको पूरा का पूरा हटाओ, ठीक है। चलो वो ले भाई, मेरे पास स्टोन की भी नहीं है, रुको लेके आता हूँ, मेरे पास वहाँ पर पड़े होने चाहिए। हेलो बॉडी गार्ड्स, हे बॉडी गार्ड्स, डाल सही कर लो, बॉडी गार्ड्स कम विद मी, यू है यू, यो ब्रो थॉमस कम विद मी ब्रो। अरे भाई ने हाँ बोला क्या, अब मेरे को माइनक्राफ्ट से थोड़ा डर लगने लग रहा है दोस्त, मैं झूठ भी नहीं बोलूंगा, मुझे सच्ची में डर लग रहा है दोस्त, मैं डरा हुआ हूँ मेरे दोस्त, मैं डरा हुआ हूँ मेरे दोस्त। भाई यार ऐसा काम किया क्या मैंने ये इतना अच्छा, हाँ जी क्या कह रहे थे आप सर, 2 सेकंड देना यार गाइस अपना लेके आता हूँ, मेरे पास स्टोन की कमी तो है नहीं लेकिन फिर भी भाई मैंने वहां पे वो मैं ना इधर आ, तुझे बताता हूँ, तू रुक जा, ले तू खा, इधर आ, आ तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ, आ जा, आ आ तू भी, नीचा नीचा, हाँ आजा आजा, हवा हवा है, हवा हवाई ले ले, हवा हवाई ले, खाएगा इसको, रुक जा। हम लोगों को क्या करना है देखो, अब इसको हम लोगों को पहले तो पूरा का पूरा ऐसे करके साफ कर देना है, ठीक है, इधर से, फिर यहाँ पर हम लोगों की स्टोन की पूरी ऐसे आ जाएंगी, देखिए आप कैसे आ रही है स्टोन की ब्रिक्स, आप देख सकते हैं ना दोस्तों, जी हाँ। तो आपको स्वाद अनुसार स्टोन की ब्रिक्स लगा देनी है यहाँ पे, ठीक है, स्वाद अनुसार बिल्कुल एकदम, जितना स्वाद आए उतनी स्टोन की ब्रिक्स, ना ज्यादा ना कम, ठीक है, या बस सही है। चलो एक तो यार इसको इतना देख के मारना पड़ रहा है ना हाथ इससे यार, चलो ठीक है, ये हो गया फिर ये हो गया और फिर लास्ट ये हो गया और फिर इसको तो ऐसे भरना ही है, ठीक है। तो चलो बस हो गया, अरे ओ भाई दे दो लाओ, हाँ बस, कुछ भी छोड़ो मत भाई, कुछ भी छोड़ो मत, सारा आइटम सॉर्टर में डाल देंगे, बाद में काम आएगा बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो। आज मुझे पता चला है भाई डर्ट की अहमियत भी क्या होती है ना, वो आज पता चली है मेरे को, जब मेरे को एक एक डर्ट लेके आनी पड़ी ना तब मुझे पता चला है भाई, जहाँ पर भी भरना था मतलब बेसिकली, खैर भरने के लिए तो मिली जा रही थी मैं फिर भी, मतलब तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, है ना, वही चीज़ है भाई, एक एक डर्ट की अहमियत आज पता चली। और थॉमस कैसा है ब्रो, सही है सब घर पे, है सही सब घर पे, थॉमस भाई नाराज है क्या, अरे भाई ये तो उसको बता रहा है कुछ
निकल लेते हैं चुपचाप इससे पहले कि डंडे पड़ने शुरू हो जाए। चलो बढ़िया, वहाँ का भी एरिया अपना हो गया ना कंप्लीट, हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर दिया, बस बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं, इन एरियाज पे भी देखो लाइट लगाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। देयर वी गो, चलो 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 चलो, एजेस पे भी यहाँ पर भी लगाई देते हैं, क्योंकि फिर मैं क्या करूँगा ना, ये जो टॉर्चेस ऐसे कहीं पर भी ऐसे आलतू फालतू टॉर्चेस पड़ी हुई है इनको हटा देंगे, क्योंकि ये दिखने की बिल्कुल एस्थेटिक नहीं लग रही है, समझ रहे हो ना तुम लोग। ये क्या एस्थेटिक भाई, ये जैक नहीं भाई, पूरा दिमाग ऐसा बना दिया है ना मेरा, एस्थेटिक एस्थेटिक करते करते भाई, बाय गॉड कह रहा हूँ किस दिन पागल ही हो जाऊँगा मैं। चलो जहाँ पर एंडोर है वहाँ पर भी एक ऐसे लगा ही देते हैं, ये लो ऐश करो। चलो ठीक है, यहाँ से भी आगे को जाते हैं, मैंने पूरा रास्ता खींच दिया, तुम समझ रहे हो, पूरा रास्ता जितना भी जहाँ पर भी हो सकता था ना। अबे थॉमस कहाँ गया, थॉमस 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 कौन सा है इनमें से, थॉमस थॉमस ये थॉमस भाई भाई ये मुझे थोड़ा भूतिया सा गोलम क्यों लग रहा है, झूठ भी नहीं बोलूंगा सच्ची बता रहा हूँ भाई, थोड़ा डरावना सा गोलम लग रहा है, पहले तो ना हाँ हूँ करने लग गया था, वो तुमने देखा ही था, थोड़ा तो डर लगेगा ही ना बंदे को भाई तो थॉमस भाई कहीं डेंजर बंदे ना निकले भाई, पता तो चला रात को सो रहा हूँ वहां पे पीछे से ओए ओए भाई कुछ काम के थोड़ना है, थॉमस थॉमस भाई देख रहे हो उनको वहां चिल चिल पड़ रहा है उनका भाई, मजे कर रहे हैं वहां पे देख रहे हो, कुछ काम के नहीं है, मत कर यार मत मार यार, दोस्त नहीं है भाई नहीं है, ऐसे थोड़ा माने गए, प्यार से तो इनसे बात ही नहीं होती है, प्यार से इनसे बात कर देते ना मूड खराब जाता है अपना, इनका भी नहीं अपना ही मूड खराब होता है भाई। देखो ये वाले का जो एंट्रेंस था सब कुछ था वो मैंने बंद ही कर दिया, मैंने कहा यार देखो अब ये फार्म काम करता है नहीं, ये टाइम टाइम पे टूट जाता है, फिर इसको सही करो, और अपने पास अब इतना बढ़िया एकदम फुल्ली ऑटोमेटिक उधर पे पीछे पे अपना क्या कहते हैं शुगर केन वाला फार्म है यार, उसका तुमने नाम नहीं बताया यार, प्लीज़ मेरे को बताओ गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ उसका नाम, बताओ मेरे को कुछ अच्छा सा नाम बताओ उसका, मतलब कुछ बढ़िया सा नाम रख सके ना ऐसा कुछ देना, ठीक है, जिससे हम लोग उसका प्यारा सा नाम रख दे एक बढ़िया सा, कुछ कुछ तो रचे सुगी कुछ ऐसा, मतलब समझ रहे प्यारा सा कुछ 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 एकदम शानदार बढ़िया सा कुछ लगे, मजा आ जाए, बढ़िया है। एजेलिया के ट्रीज भी मिल जा रहे हैं इससे, जो कि हमें चाहिए ही, अभी रुको ये हो गया पूरा का पूरा, यहाँ पर भी हम लोगों ने कर ही दिया, ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छा ही लग रहा है, साफ भी लग रहा है और चमक भी रहा है। अब क्या करेंगे ना, देखो हम लोगों ने जब हर एक एज पे लगा दिया है, अब हम लोग थोड़ी थोड़ी जगह पे लगाना स्टार्ट करेंगे, वैसे कायदे से रात जी यार सुबह होने लग गई ना, अब हम लोग क्या करेंगे हर एक 10 ब्लॉक पे मैं तो बोलता हूँ कर देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पता है क्या मेरे को अभी अभी क्या याद आया, इसी जगह पे आके, क्योंकि इस जगह पे हमारी सारी गाय और सब कुछ बंधे रहते थे ना हमारा ब्रेड फार्म, तो मुझे एक चीज़ याद आई है कि हम लोग अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में क्या करते थे सबसे पहले, मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पर रोक दो वीडियो और मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में हम लोग क्या करते थे अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में। भाई हम लोग खाते थे ताजी ताजी ब्रेड, फार्म की ताजी ताजी ब्रेड और गाय का गाढ़ा गाढ़ा दूध, राइट, वो चीज़ हम लोगों ने छोड़ दी जो कि बहुत गलत चीज़ है भाई, हम लोगों को वो अभी भी करना चाहिए था कंटिन्यू, तो हम लोग करेंगे, रुको मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक जगह पे छोड़ के, तो गाइज हम लोगों ने लाइट वाइट भी हर जगह पे लगा दी है और सब कुछ रेडी हो चुका है। अब एक चीज़ कर लेते हैं लास्ट, देखो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, जो मेरा बहुत ज़्यादा मन था, मजाक भी नहीं करूँगा सच्ची बता, मेरा करने का ये चीज़ बहुत पहले मन हो गया था बट फिर हम लोग कर नहीं पाए थे सैडली, बट अभी हम लोग कर सकते हैं तो चलो करते हैं, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ ना, मैं यहाँ पर ना एक बढ़िया सी पहले तो फार्म जैसी बनाऊँगा, ठीक है, हम लोग ऐसे करके यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया बना देंगे फार्म्स का, ठीक है, मतलब फार्म का नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वीट लगेंगे, जैसे कि हम लोगों को सीधी सी बात है भाई, जब हम लोगों को ताज़ी ताज़ी ब्रेड और गाढ़ा गाढ़ा दूध पीना है तो भाई हम लोगों को सीधी सी बात है कुछ तो जगह होनी चाहिए ना जहाँ पर हम लोगों की वो चीज़ बने भी, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो मैं सोच रहा हूँ कि इसको ऐसे करके कंपस से जैसे एंगल बनाते ना एक 45 डिग्री का वैसे वाला 90 डिग्री ऐसे 90 डिग्री एंगल में इसको ऐसे काट देते हैं और उसके बाद हम लोग अपना काम धंधा करते हैं, तो रुको मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो रुको हाँ, जैसे मान लो कि हम लोग इसको यहाँ से है ना इस वाले से उस वाले तक मिलाने की ट्राई करें या फिर और थोड़ा और ज़्यादा ना, चलो ठीक है इसको काटते हैं और इस वाले को, ठीक है,
अब पता नहीं बनेगा कैसे, वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता कि सेमी सर्कल, सेमी भी नहीं है, क्वार्टर सर्कल टाइप है, तो क्वार्टर सर्कल कैसे बनाया जाएगा वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अभी देखते हैं अगर मैं बना पाया तो, रुको अगर हम लोगों को इसको यहाँ तक का लेके आना है, राइट यहाँ तक का मान लो, क्या ये लग रहा है? नहीं लग रहा है, नहीं बिल्कुल भी सर्कल कहीं से कहीं तक, पर लग कूल रहा है ये है बस। हाँ थोड़ा और फैलेगा, मतलब बेसिकली ये ऐसे जाएगा पूरा का पूरा, है ना, ये थोड़ा और फैलेगा मेरे ख्याल से, ये अंदर को पहली जल्दी आ रहा है ये अंदर को, अगर ये ऐसे करके बाहर से आए ना, रुको ये काटता हूँ मैं पूरा का पूरा, मतलब मेरे को दिखने का भी अच्छा होना चाहिए और उसके ऊपर से फिर हमारी गाय भी होनी चाहिए यहाँ पर, समझ रहे हो ना, कितना ज़्यादा कूल लगेगा सोचो, यहाँ पर गौ माता भी है, फिर यहाँ पर हमारे सारे के सारे वो भी हैं, लाइक क्या कहते हैं उसे, वीट वीट के फार्म भी उग रहे हैं, मतलब मेरे हिसाब से दिखने का बहुत ज़्यादा कूल लगेगा, ठीक है, मेरे को बस वही चाहिए कि ऐसे दिखने का भी अच्छा लगे और प्रैक्टिकल भी हो कि हम लोगों को जब भी खाना खूना है तो हम लोग ऐसे आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। अब ये ऐसे लग रहा है कि ये बाहर को जा रहा है और ये सिकुड़ रहा है इधर से ना, हाँ थोड़ा सा कम, देखें कैसा लग रहा है, मेरे ख्याल से सही लग रहा है यार, फिर ऐसे परफेक्ट एकदम तो वैसे भी नहीं मिलेगा, राइट, इस एंगल से हम लोगों को इसको थोड़ा सा बाहर को करना चाहिए, राइट, इस एंगल से करें बस, तो थोड़ा थोड़ा कर देते हैं हल्का हल्का, अब सही लग रहा है, यप मतलब ऐसा परफेक्ट नहीं बोलूंगा इसको, बट ये काफ़ी कूल लग रहा है ऑलरेडी, ठीक है यार, एक्चुअली ना यहाँ से ज़्यादा सही लग रहा है, रुको कितना है ये, 1 2 3 फिर अंदर को 4 फिर अंदर को 4, राइट, 1 2 3 अंदर को 4 अंदर को 4 ये करके देखते हैं, 1 2 3 फिर अंदर को 4 फिर, अबे ये देखो भाई गाँव बाद में बसता भिखारी पहले आता है, 1 2 3 4 देयर वी गो, इसको बस ऐसे कर देते हैं ताकि दिखने का अच्छा लगे, क्योंकि वह एंड बहुत कूल लग रहा है, पता तुम्हें, हाँ ये देखो अब ये सही लग रहा है, मजाक में नहीं, सही में भाई अब ये सही लग रहा है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी वानी का इंतजाम करना है, तो चलो करते हैं, यहाँ पर एक पानी डाल देते हैं, थोड़ा सा और पानी लेके आ जाते हैं, अपने पास तो पूरा भाई यार पानी का, देयर वी गो, चलो अपने पास तो पानी की कमी नहीं है, राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं अभी क्या करने की ट्राई कर रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देयर वी गो, ठीक है, अपना अनलिमिटेड वाटर बन गया, देखो बाहर वाली रिंग जो होगी ना वो गायों के लिए होगी पूरी, ठीक है, ये एरिया पूरा का पूरा हम लोग ऐसे गायों को दे देंगे, अंदर को हम लोगों को पूरी की पूरी लाइक खेती जैसी करनी है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, हम लोग कहीं पर भी ऐसे खोद देते हैं अभी के लिए, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते, यहाँ पर खोद लेते हैं एक, ठीक है, मतलब वही है, मेरे को पता है कि इतने ब्लॉक के बाद वो करेगा, बट फिर मेरे को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना बेसिकली, सही बताऊँ तो मैं चाहता हूँ कि हो जाए, मतलब ऐसा रैंडम लगे, ऐसा ना लगे कि पूरा, समझ रहे हो ना, ऐसा प्लान टाइप है जबकि, पर फिर भी चलो ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम लोग अपनी हो निकालें और यहाँ पर से खोदना शुरू करें, ठीक है, ठीक है, 2 2 2 3 2 1 1, ठीक है, सेम इधर से भी करते हैं, 2 2, अरे यार इधर को पानी नहीं पहुंच रहा है, रुको एक कम करते हैं, 2, कैसा लग रहा है ना, मस्त, यस सर, यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी गाय वाय घूम लेंगी और इधर को हम लोग अपना वो कर सकते हैं, है ना, शायद इस साइड से हमें थोड़ा सा करना ही चाहिए यार, 2 तो इधर से बनते हैं यार मेरे हिसाब से, तो ये तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इस पानी को थोड़ा सा इधर को फैला सकते हैं, इधर को 1 2 3 4 5 भाई यहाँ पे पानी होना चाहिए, राइट, चलो ठीक है, ये हो गया ना, बिल्कुल खर्चा तो मत कर भाई, मेरे को लगा एक दो बार हो गया भाई, तू तो लगा पड़े, 1 2 1 2 3 4, अब देखते हैं, होपफुली मैंने पानी ऐसे डाल दिया है कि लाइक कोई भी जगह छूटे ना, बट लेट्स सी, ठीक है, हमको पता नहीं है कंफर्म कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, सो लेट्स सी अगर ये काम करता है तो, वरना फिर मेरे को थोड़ा सा और पानी के, भाई जितना हम लोग करते जाएंगे ना आड़ा टेढ़ा उतना ही ख़राब होते जाएगा फिर टाइम, ये भी बता रहा हूँ, मतलब फिर वो ये होता है दिखने का अच्छा नहीं लगता ना, ज़्यादा ही पानी के ऐसे इधर उधर दिखता है तो मज़ा नहीं आता, ठीक है, ये हो गया, सो थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, दिखने का ऐसा लग रहा है ना थोड़ा, हाँ अब सही लग रहा है, देखो हाँ सही लग रहा है ना, बाकी जगह गाय के लिए होगा, गाय को भी खाना है, सीधी सी बात है घास, तो गाय यहाँ से घास खा लेगी, यहाँ पर हम लोगों का बनाने का हो गया, हम लोग यहाँ पर अपना वीट उगा लेंगे, ठीक है, चलो यहाँ पर फटाफट से जितना हो सकता है वीट सीड लगा देते हैं,
मेरे को ये सारे के सारे पानी में बाए थे वो भी करना पड़ेगा गाइस। या तो फिर नीचे से हम लोग स्लैब डाल देते हैं या फिर इसको ट्रैप डोर से बंद कर देंगे। मेरे ख्याल से ट्रैप डोर से बंद करना ज़्यादा सही लगेगा, दिखने का भी अच्छा लगता है। तो गाइस हो चुकी है अगली गुड मॉर्निंग और हम लोगों का वो काम भी कंप्लीट हो चुका है गाइस। यस सर, हो चुका है, बढ़िया लग रहा है भाई, मैं मजाक नहीं करूंगा सही में बताए। लाइक गाय के लिए ज़्यादा जगह छोड़ी भी हमने, सीधी सी बात है भाई, ज़्यादा जगह चाहिए तो ज़्यादा जगह छोड़ेंगे भी, है ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हुआ तो नहीं ना खराब, हाँ फिर ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो लीड से लेके आते हैं सारी गायों को जितनी भी दिख रही हैं, ठीक है, आसपास। मेरे ख्याल से हम लोगों के पास 8 गाय थी, राइट, हाँ हम लोगों के पास कहीं भी नहीं तो 8 गाय थी कम से कम, ठीक है। चलो इनको हम नाम भी देंगे अलग अलग, हाँ ये देखो 2 गाय यहाँ पर भी हैं, सारी लेके जानी है हमने, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चल चलो चलो आओ भाई, आओ तुम भी आओ, सारी की सारी लेके चलते हैं। मैं तो बोलता हूँ इनको नाम भी देंगे हम लोग, चिंटी मिंटी चिंटी करके कुछ ना क्यूट सा नाम भी देंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, बहुत जॉम्बी बहुत मॉब्स घूमते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको भाई, दिक्कत हो जाएगी। लाओ मेरी लीड वापस कर दो, थोड़ी सी टूट गई होंगी रास्ते में, आ जाओ, ठीक है। 4 तो ये हो गई, लेकिन मैंने 8 देखी थी मुझे याद है अभी भी, ठीक है। चलो कोई नहीं, अभी के लिए इतनी गायों को हम जाके अंदर को ले जाके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 4 है ना, ये लो, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे बांध देते हैं, फिर बाकी की बच्ची भी लेके आते हैं। मेरे ख्याल से 8 तो, हाँ 8 तो थी एटलीस्ट, 4 यहाँ पर हो गई, वो रही 5वीं गाय, और हाँ वहाँ पर भी देखी थी मैंने, वो भी एक और रही, बढ़िया। आते जाओ आते जाओ आते जाओ, नेम टैग पड़े हैं ना, हाँ चलो भाई, 1, अरे चलो आ जाओ, 3 ये हो गई यार, 1 और होनी चाहिए, नहीं आओ फंस गए वहां पे, आ जाओ, हाँ वो रे। चलो 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 अभी के लिए क्या करते हैं, 3 लेके चलते हैं, क्योंकि उधर को जाएंगे फिर लीड टूटेगी, फिर वापस आना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा, इससे बढ़िया लेके चलते हैं 3 को, उसके बाद 1 और को लेके आ जाऊंगा, ठीक है। आ जाओ आ जाओ भाई, वाली गाय आने को ही तैयार नहीं है, अबे टूट गई लीड ले। चलो भाई आ जाओ भाई, हेलो, गाढ़ा गाढ़ा दूध पीना है तो गाय तो पालनी पड़ेंगी ना भाई, आओ आओ भाई आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे अरे हेलो 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 हेलो, भाई मजाक नहीं करूँगा, इस चीज़ से मेरे को याद आ जाता है, पता है एक्चुअल में जब मैं छोटा था तो हमारे घर में मजाक से हट के 3 गाय थी, 1 बछड़ी थी, हम लोगों के घर में 3 गाय थी, मम्मी पालती थी मेरी गाय, मेरे को अभी भी याद है भाई, कितनी दूर दूर से घास वास लेके आती थी मम्मी, फिर गाय को खिलाते थे, फिर गाय का हम दूध पीते थे, वो सब चीज़ें भाई बहुत ही मस्त भाई, मेरे को आज भी याद है, मतलब हम लोगों ने 2-3 यहाँ पर भी है, 4, ओ भाई साहब, या मेरे पास तो 2 ही लीड है, चलो 2 लेके चलते हैं, फिर बाद में कभी ले आएंगे, ठीक है आ जाओ। चलो भाई आ जाओ, 8 तो हो गए एटलीस्ट, 8 गाय तो हैं अपने पास, आ जाओ। वैसे वीड दिखा के भी लेके जा सकता था मैं, चलो छोड़ो अभी, 8 ही गाय रखते हैं वहाँ पे, बाकी गायों को खुला ही घूमने देते हैं, आ जाओ ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो, ऐसे 2 लीड और मिल सकती हैं। चलो भाई यहाँ कर देते हैं, और अब इसको करते हैं बंद पहले, ठीक है, ये कर दिया बंद। अब इसको ना एक ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पर ना एक, यार है ही नहीं मेरे पास डोर वोर कुछ है ही नहीं, कोई बात नहीं अगली बार, ठीक है अगली बार डोर वोर लगा देंगे। अब चलो अभी बस गाय के वो खोलने में, चलो भाई घूमो मस्त मस्ती, ठीक है चलो मस्ती करो फुल घूमो घामो, अरे नहीं यार, अरे यहाँ से बंद है, यहाँ से तो निकल ही सकती हैं, अरे यार दिमाग नहीं चलाया मैंने, ले वो भाई वो गाय ने मुझे लग रहा है सुन भी लिया भाई, क्या कह रहा था हाँ ऐसे करके, रुको मेरे पास बोन मिल है, बोन मिल ज़्यादा तो नहीं है पर लेके आनी पड़ेगी यार, बोन मिल की तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, बढ़िया। देखो यहाँ से भी नहीं आ सकती अब कोई गाय, ठीक है इधर से आ सकती हैं, पर यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा फिर डबल वाला ना भाई, ऐसी करके मैं तो बोलता हूँ ये दिखने का भी अच्छा लग रहा है भाई, ये तो दिखने का भी बहुत सही लग रहा है, मैं तो कहता हूँ ऐसी करके ना हर जगह पे कहीं ना कहीं पे, अरे तुम हटो यार भाई यहाँ से, ठीक है मैं तो बोलता हूँ हर जगह पे ऐसी करके ना थोड़े थोड़े
वैसे ट्रीज उगा देते, कितना कूल लग रहा है देख रहे हो। ये ओ भाई साहब सही में लग रहा है यार ये तो, व्हाट ओके नॉट बैड नॉट बैड, चलो चलो चलो। अरे यार मेरा वो खत्म हो गया बोनमील, मेरे को बोनमील लेके आना पड़ेगा, रुको जरा फिर। अब यार लेकिन गाय तो यहाँ से भाग जाएंगी यार, मेरे को ये एरिया पूरा का पूरा ढकना ही पड़ेगा, तो मैं इस एरिया को भी पूरा का पूरा ढकता हूँ और बोन मील भी लेके आता हूँ 2 मिनट में, ठीक है। तो गाइस फाइनली पूरा का पूरा वर्ल्ड हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, हमारा वर्ल्ड अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मजाक नहीं करूँगा सच्चे में भाई, चाहे वाट लगे ना इसको बनाने में भाई, मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता कि कैसा हो गया है भाई इसको बनाते बनाते। मैंने कहाँ सोचा हुआ था कि भाई आज तो ये करूँगा, एक और तुम लोगों के लिए स्पेशल वीडियो प्लान्ड है बहुत ज़्यादा खतरनाक, वो भी बनाऊँगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा वो बनाने लायक मेरी हालत रही है जिस हिसाब से इसने काम। मैंने सच्ची में सोचा, मैंने कहा यार इसमें ना कोई फार्म है ना कुछ है, ये तो ऐसे कर दूंगा, पर भाई जेन्युइनली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक मेहनत लगी, पर जो काम हुआ है ना वो इतना नेक्स्ट लेवल हुआ है कि मतलब मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, तुम लोगों को कैसा लगेगा पता नहीं। ये रहा गाइस हम लोगों का नया वर्ल्ड, मैं मजाक नहीं करूँगा भाई, मेरे को तो ऐसा हो रहा है ना कि कहाँ हमारे घर के आगे एक गंदा सा एंडरमैन का फेस बना रखा था, एंडर ड्रैगन का, फिर यहाँ पर पूरा का पूरा ऐसा अजीब सा थोड़ा क्लस्टर्ड लगता था हर चीज़, मतलब समझ रहे हो कि फैली हुई है बस चीज़ें, सब हैं जो जो काम की चीज़ें सब है पर वो फैली हुई ऐसा अजीब सी हैं। बट अब देखो यहाँ पर भी स्टेयर्स की ज़रूरत है, स्टेयर्स लगाऊंगा बट बाद में, अभी देखो यहाँ पर अपना डॉक है और ये चीज़ें क्लीन करते हुए भाई मैं अभी भी सॉरी कहता हूँ कि हम लोगों ने ये एरिया सही नहीं करा है, अभी यहाँ के रास्ते भी नहीं बनाए जो कि हम लोग गारंटीड से बना देंगे, वो क्या है पता नहीं, जो कि हम लोग गारंटीड से बना देंगे। पर मुझे एक चीज़ मिली है भाई, मैं जब यहाँ पर था मुझे एक चीज़ मिली है गाइस, जिसको पता है उसको पता है ये कौन सी जगह है, ये डंजन लिटरली इस वर्ल्ड का वन ऑफ द फर्स्ट डंजन था, मुझे पता है बहुत सारे लोग शॉक में होंगे अभी क्योंकि उनने कभी ये देखा ही नहीं, वो कहेंगे भाई ये है क्या, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ऐसा क्या है ये भाई। ये हम लोगों का डंजन है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता होगा हम लोग क्या करने वाले थे, फिर जैसे जैसे भाई चीज़ें बढ़ती गई फिर नामुमकिन हो जाता है यहाँ पे नाम लिखा। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि हम लोग अपने मेंबर्स का नाम दोबारा से, ये देख रहे हो हॉल ऑफ फेम है बेसिकली हमारी यूट्यूब मेंबर्स का, तो अगर तुम लोग चाहते हो कि हम लोग ऐसा कुछ करें तो गारंटीड मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलो 1.5 लाख लाइक कर दो इस वाली वीडियो पर, 150K लाइक कर दो और यहाँ पर हम लोग मेंबर्स के नाम लिखना शुरू कर देंगे। हाँ मैं मेंबर का टीयर रखूंगा एक, जो एक ही टीयर होगा सिर्फ और सिर्फ, और उसी टीयर के मेंबर को हम लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे उनके, तो जितने मेंबर होंगे सबके नाम लिखूंगा मैं एक एक करके, समझ लो मतलब यहाँ पे सारे मेंबर्स के नाम लिखे हुए दिखेंगे और हम लोग हर सर्वाइवल वीडियो में वो गारंटीड से कहेंगे। तो ऐसा चाहते हो तो 1.5 लाख लाइक दिखा देना भाई को, बाकी अगर बताना भी मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि अगर तुम लोग ऐसा देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो। बाकी तो ये मेरे को दिखाना, मेरे को ऐसा खुद से हो गया यार, मेरे को उनका है ये भी तो था, ठीक है। बाकी ये देखो हर जगह पे हमने एजिलिया के ट्रीज लगा दिए तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर से हमारा ये हैंड वाला पोर्टल है, फिर ये है चीज़ें, फिर इधर को आते तो देखो ये थोड़ा सा ये रास्ता बस क्लस्टर हो रहा है, मोस्ट ऑफली मैं इसका रास्ता कहीं और से निकालूंगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जा रहा है, ये भसड़ जैसी मच जा रही है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। ये तो अपना है ही सेंटर, तुम्हें पता ही यहाँ से हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। चलो पहले तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ, फिर गाय वाला एरिया दिखाऊंगा, मस्त लग रहा हो, ठीक है। तो देखो जैसे कि तुम लोग यहाँ से आए ऐसे करके अपना मस्त करके यहाँ से आ रहे हो, ला 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 ला, यहाँ सीढ़ियाँ लगाई मैंने, वहाँ क्यों लगाई मुझे नहीं पता भाई। चलो ला 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 ला, डोरेमोन 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 है बड़ा प्यारा दोस्त हमारा वूलीमोन। चलो तो ये हमारा वूली हो गया पूरा का पूरा, यहाँ पर तुम लोग जा सकते हो ऐसे करके। फिर तुम्हें लगेगा नहीं यार वूली से नहीं, मुझे तो आज यार थोड़ा सा स्लाइम बॉल लेके आना चाहिए था। ठीक है दोस्त स्लाइम बॉल लाना था, कोई बात नहीं मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हम लोग इधर को जाएंगे और उसके बाद हमारा स्लाइमी स्लाइमी स्लाइम बॉल शिवाली एरिया, देखो यहाँ पर से आके स्लाइम बॉल ले सकते हो, यहाँ से नीचे से देखो दिख भी रहे हैं, देखो स्लाइम्स देख रहे हो। ये तो भाई ये बहुत बढ़िया बिल्ड था भाई हमारा, ये गुस्सा तो नहीं होगा ना, हाँ नाराज नहीं होगा ना जब तक वो इसके थ्रू है। और फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत मस्ती के लिए एरिया भी बनाया था हमने अगर तुम्हें याद होगा तो, यहाँ से जाओ और पुतिक मस्त मजे थोड़ी सी चोट भी लगा लो, ठीक है। फिर ये देखो यहाँ से पूरा इधर से आते हुए तुम लोग जाओ तो अपने क्या कहते हैं शुगर केन फार्म के अंदर भी जा सकते हो, मतलब देख रहे हो तुम लोग दिखने का कितना ज़्यादा कूल लग रहा है ये एरिया, मतलब आने जाने में मज़ा आ रहा है, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा कहीं पर भी ना आने जाने में। अब यार इनने बाय गॉड बहुत दिमाग ख़राब कर रखा है यार, जहाँ जाते हैं वहाँ गंदगी करते हैं ये एंडरमैन, ठीक है। जैसे ये हो गया, यहाँ पर भी पूरा का पूरा एरिया हो गया। अरे 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 यहाँ पर एक लगा के छोड़ देते हैं, ये खुद ही उग जाएगा टाइम के साथ, है ना।
चलो इसको यहाँ पर भी लगा देते हैं एक दो, ये लो ठीक है। तो ये तो अपना एरिया हो गया, ये कहीं नहीं जा रहा है अभी के लिए, इसको बाद में दिखाएंगे हम लोग, कहीं पे जाएगा कुछ होगा वो सब चीज़ें बाद में कर लेंगे, कुछ बनाएंगे। मैं सोच रहा हूँ, तुम लोग बताना कैसा लगेगा, मैं सोच रहा हूँ इस एरिया में अपना घर बनाने का, इस एरिया में, ताकि ये पूरा एरिया ऐसा लगे फार्म एरिया। क्योंकि देखा जाए अगर एक ब्रॉड वे में अगर तुम इसको देखोगे तो ये पूरा एक तरह से फार्म एरिया ही तो है, समझ रहे हो। ये देखो ना, इधर पे भी फार्म, उधर पे भी फार्म, इधर पे भी फार्म, हर जगह पे फार्म ही फार्म है अगर तुम देखोगे तो, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारा फार्म एरिया ही है। एंड बिलीव मी ब्रो, ये वर्ल्ड अब इतना खूबसूरत लग रहा है ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मतलब मेरा दिल इतना, कैसे बताऊँ यार, मतलब मज़ा आ रहा है ना देखने में ही कि हाँ यार क्या कूल चीज़ बना दी है, वो ना अलग ही फील हो रहा है। पर एक दिक्कत हो गई है बस यार, ये वाला फार्म इस चक्कर में ख़राब हो गया है पूरा का पूरा। बेसिकली अब ये फार्म के बंदे ना बाहर आ जा रहे हैं, अंदर नहीं आ रहे मेरे ख्याल से, है ना। चेक करूँ एक बार, नहीं अंदर भी आ रहे भाई, बहुत आयरन हो गया है। तो यहाँ पर तो आयरन नहीं था, जीरो आयरन था। अंदर भी आ रहे हैं मतलब बाहर भी आ जा रहे हैं, ये है बस सीन। कोई बात नहीं, अब चलो अंदर आके भी इतना अगर आयरन दे के चले जा रहे हैं तो बहुत है भाई। इतनी देर में हमने यहाँ काम करा, वहाँ स्टैक के स्टैक जमा हो गए, ठीक है। तो ये देखो, ये सारी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ भी नहीं गए काफ़ी टाइम से, है ना। ये सर ये यहाँ तो भाई, ये देखो भाई बकरियां फंस चुकी हैं वहां पे। मैं चलो अब एटलीस्ट सारा सामान इसमें तो, ओ भाई साहब, अरे इसके अलावा सामान जाएगा भी किधर भाई। भाई साहब मेरा तो, मेरे को तो याद ही नहीं था, मैं मजाक भी नहीं करूंगा यार। हाँ वो सामान जाएगा भी कहाँ, तो जमा ही होगा सिर्फ। भाई साहब यहाँ तो हद्दी मचा रखी है भाई, मजाक से हट के इस वाले फार्म में भाई हर जगह पे यही हाल है। पर अब तुम्हें दिखाता हूँ मैं किसी एरिया का, एक काम करते हैं वीडियो को एंड ऐसी करते हैं, ठीक है। चलो सो के आते हैं और उसके बाद तुम्हें पता है क्या होगा यहाँ पे। चलो फटाफट से जाते हैं, सो के आते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। गाइस यार गुड मॉर्निंग हो गई है हमारे वर्ल्ड में। अब तुम्हें पता है भाई का दिन कैसे शुरू होता है, बिल्कुल सही यार, हमारा दिन शुरू होता है ताजी ताजी फार्म की ब्रेड और गाय के गाढ़े गाढ़े दूध से। हम लोग आ चुके हैं, पूरा गलत रास्ता, बट ठीक है कोई बात नहीं, थोड़े से यहाँ से जंप जुम्प लगा लेंगे। चलो मैं तो बोलता हूँ यहाँ पर ना एक गड्ढा भी बना देते हैं। अब तुम सोच रहे हो गड्ढा क्यों, क्योंकि हमें हर बार अपना यहाँ पर आके पानी जब निकालना ही है इधर पे, तो एटलीस्ट एक एरिया हो जाए ना जहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, और मैं वो लाना भूल गया दोस्तों, अपना क्राफ्टिंग टेबल लाना भूल गया। तो यहाँ पर ना हम लोग एक क्राफ्टिंग टेबल भी लगा सकते हैं, समझ रहे हो तुम लोग। एक काम करते हैं, एक यहीं से पेड़ काट लेते हैं, ठीक है। चलो अपने पास है क्या रूटेड एजिलिया, कुछ है रूटेड डर्ट है, सॉरी एजिलिया नहीं ना। चलो ठीक है आओ लाला, यहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल भी लगा ही देते हैं इसी बात पे। चलो देयर वी गो गाइस, ज़िबी 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 ज़िबी
कुछ खाने के लिए भी तो चाहिए ना, उसको निकलने के लिए तो चाहिए। तो ये खा लिया हमने ताजी ताजी ब्रेड और ये पी लिया गाय का गाढ़ा गाढ़ा दूध। लेट्स गो भाई, अब ही ना बात शायद कुछ, लेट्स गो भाई। मैं मजाक नहीं करूँगा, ये चीज़ इतनी ज़्यादा मिस करी मैंने। और मेरे को तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया पता है, कि तुम लोगों को याद था कि हम लोग ऐसा करते थे भाई। मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की भी कि हाँ यार, अपनी जनता तो है, अपने बंदे तो हैं नेक्स्ट लेवल भाई। कितना मस्त लग रहा है, देख रहा हूँ प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ है। और मैं तो सोच रहा हूँ पता है क्या, हम लोग एक चीज़ करते हैं, हम लोग सबसे पहले तो वो जगह ढूंढते हैं जहाँ पर हम लोगों को चेरी ब्लॉसम ये सब मिल सकेगा, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा ना बीच बीच में ऐसा कर सकते हैं कि एक पेड़ इसका अजेलिया का, एक पेड़ चेरी ब्लॉसम का। अगर तुम्हें ये आइडिया भी अच्छा लग रहा होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी तुम लोगों को पता ही है भाई मैंने क्या बताया तुम्हें। अगर नीचे क्या कहते हैं मेंबर्स के साइन बोर्ड वाला करना है तो मेरे को बताना, 1.5 लाख लाइक का गोल है अगर करोगे। मैं एक मेंबर्स, मैं एक ही टाइप के मेंबर्स बन सकते हैं ऐसा वाला बना दूंगा, और जो लोग भी मेंबर्स बनेंगे उन लोगों के नाम हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, डन है, चलो चलते हैं ऊपर। और ये रहा हमारा वर्ल्ड भाई, ये कितना ज़्यादा प्रीटी बन गया है, मजाक भी नहीं करूँगा सच्ची भाई। तुम इस वीडियो की स्टार्टिंग देख लो, बस तुम इस वीडियो की स्टार्टिंग देख लो कि हमने कहाँ से शुरू करा था और कहाँ एंड करा। चाहे बहुत टाइम लग गया भाई, एकदम ही शक्ल की तो बैंड ही बज गई, पर क्या मस्त लग रहा है भाई।